चार साल हो गया सर, मर जाएंगे सर, युवाओं को बर्बाद, रोलर चलवा दीजिए सर, रोलर चलवा दीजिए, हमारी रिजल्ट जारी करो या इच्छा मृत्यु दो। हमारी उम्मीद न सरकार से बची है न ही विपक्ष से बची है, बीटीएससी से ही है। तेजस्वी यादव भैया भी तो पिछला बार मुद्दा उठाए थे विधानसभा में, अब तो उनकी सरकार आ गई है, काहे ने मेरिट प्रकाशित कर रहे हैं। अभी यहाँ पर अभ्यर्थियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी रिजल्ट जारी करो या इच्छा मृत्यु दो, हमारी रिजल्ट जारी करो बस, और बस हमारी यही में इच्छा है कि हमारी रिजल्ट जारी करो या इच्छा मृत्यु दो। चार साल से लंबी थे, चार साल से क्या रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया, एक बार दिया संशोधित करके। देख रहे होंगे अभी यहाँ पर अभ्यर्थियों को पुलिस प्रशासन यहाँ पर पकड़ ली है, और यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से चार साल हो गए हम लोग का वैकेंसी आज तक क्लियर नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, ऐसे में तो मारता है। भरे थे फॉर्म कब, 2019 मार्च में भरे हैं सर, 19 के मार्च में। 28 हो गया, एग्जाम तो हुआ था ना। ये सर हम लोग को मेरिट बेसिस था, सब चीज उसके बाद रिजल्ट नहीं आया। 2 अप्रैल को रिजल्ट आया, उसके बाद एक दिन के बाद हटा लिया गया, एक साल के बाद भी रिजल्ट नहीं आया अभी तक। जारी करो, जारी करो। का वैकेंसी है बीपीएससी का, बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। चलिए बीटीएस का एग्जाम है जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, चार साल पहले आया था वैकेंसी, उसके बाद एग्जाम लिया गया मगर अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। बीटीएससी उम्मीदें लगती है आपको कि करेंगे? हमारी उम्मीद न सरकार से बची है न ही विपक्ष से बची है, हमारी मांगे सिर्फ और सिर्फ बीटीएससी से, जो जल्द से जल्द हमारी सरकार को सुने और जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे। और एक हाई कोर्ट है जो बार बार स्टे लगाकर रिजल्ट नहीं देने का एक मूड बना लिया है, और उस पर भी सरकार निष्पक्ष सफल हो रही है, इसीलिए हमारी सरकार से उम्मीद है। अब चार साल हो गई सरकार, हमारी रिजल्ट जारी कर दो, नीतीश कुमार इच्छा मृत्यु दे दो, बस यही कामना है। हमारी रिजल्ट। देख रहे होंगे यहाँ पर बीटीएस के अभ्यर्थी यहाँ पर मांग करते हुए, अच्छा हमने बैठ जाएंगे, हमारी रिजल्ट जारी होनी चाहिए, चाहे जो होना पड़े हो जाए, हम मर जाएंगे लेकिन हमारी रिजल्ट, हरवारी में रिजल्ट जारी करो। हाई कोर्ट बार 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 स्टे लगाती है, जिसमें प्रशांत किशोर शाही जो सरकार के नए एजी बने हैं। देख रहे होंगे यहाँ पर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, वोट लेकर सरकार। नीतीश जी से कितना उम्मीदें लगती है, नीतीश जी से? खड़ा हो जाए। खड़ा क्यों हो सर, हमें तो सब बैठा दिया है, खड़ा होने लायक ही नहीं है सर, बचे हुए हैं हम खड़ा लायक। क्यों भाई बैठे सर, बताइए कुछ बचा है सर? मरेंगे सब एक साथ, मरेंगे सर, हम कुछ बचा है? चार साल हो गया सर, मर जाएंगे सर, युवाओं को बर्बाद, रोलर चलवा दीजिए सर, मर जाएंगे सर। महागठबंधन की सरकार से उम्मीदें नहीं लग, एकदम उम्मीद नहीं है। पहले परीक्षा लिया जाता है, उसके बाद सारा चीज कराया जाता है, फिर रिजल्ट लाने के बाद रद्द कर दिया जाता है, उसके बाद माननीय मंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र के लिए मीटिंग किया जाता है, और आज हम
अदर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं जा रहे हैं सर, जरा से भी लाज शर्म नहीं बचाता, बस हमको रिजल्ट जारी करवा दीजिए। देख रहे होंगे हजारों की संख्या में बीटीएस का छात्र, बिहार तकनीकी सेवा वाले ही ना आप लोग हैं सर? जूनियर इंजीनियर एडवर्टाइजमेंट 2019 2019 खुद भी पक्ष में थे तब बोले थे कि इस बहाली को आएंगे तो क्लियर कराएंगे, आज वो सत्ता में आ गए हैं बहाली तो क्लियर नहीं हुआ है, आज तक क्लियर नहीं हुआ। तेजस्वी यादव भूल गए पारा करके, एकदम भूल रहे हैं और हमें लोग पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या उम्मीद है उनसे? देख रहे होंगे मजिस्ट्रेट साहब आए हैं और जो भीड़ को नियंत्रण करते हैं। गोली मरवा दीजिए, खान सर, खान सर गोली मरवा दीजिए सर, डंटा मत मरवाइए। और यहाँ पर देख रहे होंगे बीटीएससी हाय हाय रिजल्ट जारी करो बीटीएससी मुर्दाबाद। देख रहे होंगे बीटीएस के अभ्यर्थी यहां पर बीजेपी कार्यालय के पास पहुंच गए हैं और ये लोग रिजल्ट की मांग करते हुए अभी यहां पर दिख सकते हैं, जैसा कि ये लोग ताली बजाकर बता रहे हैं। पर अभी तक आया नहीं, पीछे चलो तो भाई, पीछे चलो। क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोग का मांग है कि जूनियर इंजीनियर की बहाली 2019 में आई थी, 2019 में आया था ये जूनियर इंजीनियर की बहाली, 4 साल हो जाने के बाद अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया, हम लोग का सारा चीज़ हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है लेकिन मेरिट प्रकाशित नहीं किया गया, 2011 के बाद 13 वर्षों लंबित के बाद ये जूनियर इंजीनियर की बहाली आया है। नाम सुन लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी इंजीनियर हैं, इस दर्द को समझिए, हम लोग 4 साल से दर दर भटक रहे हैं, कहाँ नहीं गए हैं, माननीय चीफ सेक्रेटरी जी जल्द से जल्द संज्ञान लीजिए क्योंकि आपने इस मुद्दे पे इन्वॉल्व हुए हैं और जल्द से जल्द हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित करने की कोशिश करिए, नहीं हम लोग के पास अब कुछ नहीं बचा है, या हम लोग मर जाएंगे या हम लोग का रिजल्ट दे दीजिए, यही है हम लोग का मांग। नीतीश जी से उम्मीद लगता है कि रिजल्ट देंगे? नीतीश जी से नहीं लगता उम्मीद इनसे, लेकिन मैं फिर भी, आप मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, मैं भी नालंदा जिला का हूँ, याद कर लीजिए उसी गृह जिला का हूँ, हम आपसे उम्मीद। तेजस्वी यादव से क्या लगता है? तेजस्वी यादव भैया अभी तो पिछला बार मुद्दा उठाए थे विधानसभा में, अब तो उनकी सरकार आ गई है, काय ने मेरिट प्रकाशित कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? हम लोग भी युवा हैं, आपसे उम्मीद था कि आप करिएगा जल्द से जल्द हम लोग रिजल्ट प्रकाशित करिएगा, लेकिन अभी तक नहीं किया गया, हम आपसे उनसे उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी संज्ञान लीजिए और रिजल्ट प्रकाशित करवाने की प्रयास करें, नहीं तो हम लोग का भी इच्छा मृत्यु दे दीजिए, अब हम लोग का जीने का कोई अति नहीं रह गया है। आज कहाँ तक जाइएगा ये, अभी कहाँ से आरजेडी कार्यालय आने का क्या मकसद? हम लोग आरजेडी कार्यालय आने का मकसद ये था कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द इस पर विचार करें और अपने नेतृत्व, क्योंकि उन्होंने ही वैकेंसी लाई थी, आप अपने जल्दी नेतृत्व लाएं और इस वैकेंसी को आयोग को कंप्लीट करने की प्रयास करें। अभी बीजेपी कार्यालय के पास आप लोग पहुँचे? हम लोग अभी बीजेपी कार्यालय से हैं, अभी हम लोग इनसे सपोर्ट मांगने की इच्छा कर रहे हैं कि आप विपक्ष में हैं तो आप विपक्ष के रूप में आप हमको अगर जितना सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करिए, हम इन लोग से आग्रह करते हैं कि हम लोग जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट, बीजेपी सपोर्ट करेगी उम्मीद तो है, देखिए आगे क्या करते हैं ये लोग। I'm going to go to the hospital.